हम बस सोच ही रहे थे कि सुबह 9 बज गए, पूर्णिक तमाशा कैसे नहीं शुरू हुआ। वो जीजी, हम इन दोनों को एक साथ खुश देख के मग्न हो गए थे, हमें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। थैंक्स दादी। बेटा, तुम्हें अपने हिस्से की खुशी मिल गई है, अब हमें हमारे हिस्से की खुशी भी मिलनी चाहिए ना। मतलब तू भी नहीं समझी। अरे, इन दोनों को अपना प्यार मिल चुका है, तो बेटा वक्त आ गया है कि इस घर को इसका वारिस मिल जाए। और हमें हमारा परपोता आश्रम के बच्चों को खिलाने का तो तुझे बहुत शौक था, अब तुझे खुद का बेबी नहीं चाहिए। ए, माता रानी ने तुम्हें ये टांग ना चलाने के लिए दिए, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने के लिए नहीं, समझी? और तू पूर्णी, अरे पहले ठीक से दादी सास तो बन जा, परदादी बाद में बन जाना। अरे इन दोनों के ब्याह को अभी बखत ही कितना हुआ है, इनको परपोता चाहिए। प्लीज दादी, मैं जानता हूं कि हम दोनों ने सीक्रेटली शादी करी है, लेकिन अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। प्लीज आगे से ये प्राइवेट बातें आप सबके सामने मत छेड़िएगा। वो क्या है ना कि कुछ लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है। बेटा, अगर लोगों को बातें बनाने की वजह दोगे तो बातें तो बनेंगी ही ना। कहाँ बोले जा रही है, कहाँ बोले कहाँ जा रही है। अर्जुन बेटा तुम जाओ, चलो जाओ। यशोदा, ये सब क्या है? कल्पना, यशोदा से सवाल पूछने के बजाय अगर ये सवाल अर्जुन से पूछोगी तो सही रहेगा। मैं कुछ समझी नहीं माँ। अम्मा ने अर्जुन को खामखा बिगाड़ रखा है, को तो आज तक कानूनन गोद भी नहीं लिया गया। बेचारा अश्विन साइड हीरो बन के रह गया और अर्जुन मिस्त्री बन गए हीरो हीरोइन। खैर कोई बात नहीं, अम्मा हीरो हीरोइन का बैंड बजाने वाली है, सबके सामने बताने वाली है कि ये दोनों का रिश्ता बस नाम का है। राम भला करे, आज अर्जुन अपने और इस लड़की के रिश्ते का सच बताएगा। अच्छी तरह से जानते हैं। बता अर्जुन, ये लड़की तुझे ब्लैकमेल कर रही है ना? किसी भी तरह से तुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रही है ना? दादी प्लीज, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मैं मिश्री से प्यार करता हूं। अगर इस रिश्ते में प्यार है तो ये क्या है अर्जुन?
क्या है ये? दादी प्लीज। चल कर रहा है, कोई हमको कुछ बताएगा? हैं? बताएगा हमको? हरजोत, सब कुछ तो आप जानती हैं, तो आप ही बता दीजिए। वो नहीं, बोलो कहाँ जानती है, बोलो। जी जी, अर्जुन और मिश्री अलग अलग सोते हैं। इन दोनों के बीच में पति पत्नी का कोई संबंध है ही नहीं। माँ आप ये क्या कह रही हैं? बता अर्जुन, आज तो सच्चाई बता, इतने दिनों से झूठ क्यों बोल रहा है? इस लड़की को तो हम धक्के मार के तेरी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। मिश्री ही मेरी जिंदगी है दादी। अगर जिंदगी है तो ये क्या है अर्जुन? मिश्री घर की सुख शांति की पूजा के लिए मंदिर गई थी दादी, उसी मंदिर जिसे आप भी बहुत मानती हैं। वहां पंडित जी ने इसे व्रत रखने के लिए कहा था, इसीलिए हम दोनों सिर्फ एक रात के लिए अलग अलग सोए थे। एनीथिंग एल्स? अनु, तुम्हें कुछ पूछना है? जब हुआ आपको, हम कितने बजे सोए थे, क्या पहन रहे थे, क्या क्या बातें करी हमने, आपको कुछ पूछना है दादी? या मिश्री को शर्मिंदा करने का आज का कोटा पूरा हुआ? मांग ले, माफी मांग ले, छोटी नहीं होएगी। दादी, आपने तो मुझसे अपना सवाल पूछ लिया, अब मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको ये सब के बारे में किसने बताया?